कोरोना वायरस का संक्रमण देश में बढ़े नहीं, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया है। इस लॉकडाउन में अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़ सभी दुकानें बंद रखने को कहा है। इसमें शराब की दुकानें शामिल है, मगर कुछ दिनों से राजनेताओं से और अभिनेताओं से शराब की दुकानें शुरू करने की मांग हो रही है। शनिवार से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ सहूलत दी, मगर इनमें शराब की दुकानें शामिल नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री और शहर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शराब की दुकानें शुरू न करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक कोरोना का संक्रमण संकट जाता नहीं, तब तक देसी विदेशी शराब की दुकानें शुरू ना करें। महाराष्ट्र मध्ये कोरोनाचं संकट रोज वाढतंय, संक्रमण वाढतंय आणि अशा परिस्थितीमध्ये काही लोकांनी देशी विदेशी मद्य सुरू करा अशी शासनाकडे विनंती केली आहे। माझी शासनाला विनंती आहे की जोपर्यंत कोरोनाचं संक्रमण पूर्णपणे थांबत नाही तोपर्यंत देशी विदेशी मद्याचे दुकान सुरू करू नये, कारण आपण या राज्यात महिन्याला 2.75 कोटी लिटर देशी, 1.75 कोटी लिटर विदेशी, 3 कोटी लिटर बियर, 5,000 कोटी रुपयाचा बिझनेस करतो आणि जर उद्या या शॉप चालू केल्यामुळे आज परिवार जे घरात आहे या परिवारामध्ये एक चांगलं वातावरण तयार झालं आहे, हे वातावरण बिघडेल। देशी विदेशी मद्य घेण्याकरता लोक झुंबड करतील, सोशल डिस्टन्सचा प्रश्न तयार होईल, हे तर होणारच, पण ज्या गरीब महिलांनी गरीब परिवारांनी मध्यमवर्गीय परिवारांनी आपलं घर चालवण्याकरता जो पैसा जमा केला आहे तो पैसाही उद्ध्वस्त होईल। आणि सर्वात महत्वाचं, आज रोजगार नाही, एम्प्लॉयमेंट नाही, शेतकरी शेती नाही, कुठलंच त्या ठिकाणी बिझनेस आणि घरात पैसे येणं बंद झाले असताना मद्यामध्ये पैसे उडवणे हे सुद्धा समाजाला प्रचंड धोकादायक राहील आणि त्यामुळे गावाचं सामाजिक आणि घरातलं पारिवारिक वातावरण बिघडल्याशिवाय राहणार नाही। माझी विनंती शासनाला आहे, कोणतंही मद्याचं शॉप कोरोनाचं संक्रमण थांबतपर्यंत सुरू करू नये।